ऐसी घिरी हुई हरकतें करने वाली लड़की मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। तो क्यों रखा है मुझे यहाँ पर, निकाल दो। आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। मैं तुझे सुरसुरी, तुझे इच्छा का जितना नुकसान करना था तू कर चुकी, अब और नहीं, चल। इच्छा तुमने मुझे तो मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला। और फिर कल प्रतियोगिता का रिजल्ट भी तो है। इस पर नजर रखना, अगर इसने भागने की कोशिश की, जो कि ये जरूर करेगी, तो एक फुफकार देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जाओ बाहर जाके पहरा दो। मुझे नजर कैद करने की जरूरत नहीं, मैं कहीं नहीं भागूंगी। आज के बाद मैं इच्छा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। कैसे यकीन कर लूं तुझ पर, इतनी जल्दी तेरा मन कैसे बदल गया? आप मानो या ना मानो, पर आज इच्छा से बात करने के बाद मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और मैं उन्हें कभी नहीं दोहराऊंगी, बल्कि एक अच्छी सपोली बनके दिखाऊंगी। तो पहले एक अच्छी सपोली बनकर दिखा, तभी तुझे इस कक्ष से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी। और हाँ, किसी बात की चिंता मत करना, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या? अगर मैं अकेली यहाँ रहूंगी तो मेरे फन में उल्टे सीधे ख्याल आते रहेंगे, शायद मैं फिर से भटक जाऊं। अगर आप मेरी दोस्त जगीरी को यहाँ भेज दें तो मेरा फन लगा रहेगा। सोच कर बताऊंगा। ममता, ममता ये ले शिवजी का प्रसाद। आप मंदिर गए थे? हाँ हाँ, तेरे लिए प्रार्थना करने, और आज तेरी जीत के लिए उपवास भी रखा है मैंने। आज पूरे दिन कुछ ना खाऊंगा। जी थैंक यू। वाह बेटा वाह, तू तो अपने बाप से भी दो कदम आगे निकला। अगर शिव जी इसके उपवास से प्रसन्न हो गए ना, तो इसकी ममता जीत जाएगी और मारी चंचल हार जाएगी। ना 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 ना, मारी चंचल ने बहुत मेहनत की है, चंचल नहीं हार सकती, चंचल नहीं हार सकती। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपका यही प्यार मुझे जीत दिलाएगा। मैं बस दादी के पास जा रही थी अपना काम दिखाने। ठीक है कोई बात नहीं, तू जीतेगी जीतेगी, जा दादी के पास। शिवजी जिता दो बस ममता को, नहीं तो मेरे सर पे ज्वालामुखी फट जाएगा। ये लड्डू जिताएंगे मारी चंचल को। माफ कर दे बेटे, मैं तेरी खुराक का ख्याल न रख पाया, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया। बस अब और नहीं, देख मैं अपने प्यारे बेटे के लिए शुद्ध देसी घी के मोती चूर के लड्डू लेकर आया हूँ नाथू हलवाई की दुकान से। मकान से? अरे नाथू हलवाई ने मकान में लड्डू बनाने शुरू कर दिए क्या? दुकान बेच दी क्या पिताजी? अरे मरना तो लग गया, तूने अपनी अकल बेच दी। अरे मैंने दुकान बोला मकान ना, प्यार से लाया हूँ तेरे लिए, ले खा ले। देसी घी क्या? हाँ देसी, इसीलिए तो, खा ले खा ले। अरे क्या पिताजी, मेरा उपवास तोड़वा दिया होता आपने। उपवास? हाँ। अरे गधे तूने उपवास रखा? अरे मरद उपवास उपवास ना रखते, ये तो औरतों का काम है। वो सब छोड़, तू लड्डू खा। अरे ना पिताजी, शिवजी नाराज हो गए तो ममता प्रतियोगिता हार जाएगी। वो तो वैसे भी हारेगी, चंचल के सामने टिक ना पाएगी। अरे ममता टिकेगी भी और जीतेगी भी, देख लेना आप। अरे चंचल जीतेगी देख लेना। ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी, ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी, ममता जीतेगी, चंचल जीतेगी। जीत का फैसला तो दादी ही करेंगी, लेकिन एक बात पक्की है, उन्होंने हम तीनों में से किसी एक को भी जिताया तो कलह कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। दादी जी
मैंने ना अपने हाथों से दो दो बार कपड़े धोए हैं और अब की बार उसे मौका नहीं दिया। कपड़े कैसे धोए और कब धोए ये मैंने बताने की जरूरत ना है, रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और तू जा, थोड़ी देर बाद आकर मैं अपना फैसला सुनाऊंगी। हे शिव जी, तो कल तक बहुएं एक दूसरे की अच्छी दोस्त थी, आज वो दुश्मनों की तरह लड़ रही और वो भी एक मामूली प्रतियोगिता के लिए। दुख होए शिव जी, दुख होए। दादी, मुझे आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? प्रतियोगिता के फैसले के बारे में। अब क्या बात करनी है? अरे छोरी, तू यही चाहती है ना कि मैं तुझे जिता दूं? इतना सब कुछ करने के बाद तुझे? नहीं नहीं दादी, मैं तो आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता नहीं जीतनी, मुझे तो इसमें शामिल भी नहीं होना था। लेकिन दादी, फैसला आप ही को करना है, मैं तो बस एक सुझाव लेकर आई हूँ। दादी, आप दीदी और माँ जी दोनों को जिता दीजिए, दोनों जीतेंगी तो दोनों खुश होंगी, उनमें आपसी प्यार बना रहेगा, वरना वो। वरना के? वरना दादी, मेरे कहने का मतलब है, अब तक तो वो दोनों एक होकर मेरे खिलाफ लड़ रही थी, अब उनमें से कोई एक जीत गया तो वो दोनों आपस में लड़ने लगेंगी, जो इस घर के हित में नहीं है। छोरी, तुझे इस घर के हित की चिंता हो रही है या अपने हित की? मतलब? मतलब मारे सामने महान बनने का नाटक कर रही है ताकि मैं तुझसे प्रभावित हो जाऊं, तुझे जिता दूं। नहीं नहीं दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। क्या गलत समझ रही हूँ? हाँ, अगर तुझे समझदारी दिखानी थी तो ये समझदारी पहले क्यों नहीं दिखाई, अब क्यों? दादी, मैं नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहूंगी, मेरे पास अपनी गलतियों की कोई सफाई नहीं है। बस दादी, अगर हो सके तो मेरे सुझाव के बारे में जरूर सोचिएगा। मुखिया जी ने आपकी दोस्त जगीरी को भेजा है। जगीरी, तू कैसी है? नागुमी देव की मेहर है। तू बता, तू कैसी है? अपनी पूंछ दांतों में दबाकर बैठी हूँ। ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या बोलूं? अपने ही लोग दुश्मनों सा व्यवहार कर रहे हैं जगीरी। इच्छा अभी भी अपने पति के साथ है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। मैं भले ही यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैं वहाँ ऐसी हरकतें करके आई हूँ जिनकी वजह से इच्छा ज्यादा देर वहाँ नहीं टिक पाएगी। बहुत खूब सुरसुरी, एक तू ही है जिसने हमारा फन ऊंचा किया है। हम सपोलियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ तू लड़ रही है। लड़ रही हूँ पर जीती नहीं हूँ। जीतेगी, जरूर जीतेगी। पर कैसे? मैं यहाँ बंद हूँ, इच्छा वहाँ है, मैं यहाँ से छूटूंगी कैसे, इच्छा तक पहुँचूंगी कैसे? लेकिन अब तुझे वहाँ क्यों जाना है? अभी अभी तो तू कह रही थी कि तू वहाँ ऐसी हरकतें करके आई है कि जिससे इच्छा वहाँ टिक नहीं पाएगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगी। अब मैं एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। हाँ, बस मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। सुरसुरी, ये क्या हो गया तुझे? नमूना दिखा रही थी। नौटंकी में तो इच्छा का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और वहीं टिकी रहेगी। इसलिए जब तक मैं उस घर से उसे निकलते हुए ना देख लूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। पर जाऊंगी कैसे? कोई तो रास्ता होगा सुरसुरी। एक रास्ता है, कमाल का फन पाया है तूने,
जबरदस्त कल्पना है। अब हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। अब देखना, मैं फिर से इच्छा तक पहुंचूंगी और ईमान से डस लूंगी। अरे आप सब लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? प्रतियोगिता है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, इसका ही मतलब तो नहीं कि। अरे ओ निकम्मे, तू तो बात ही मत कर, यो सब तेरी वाली ने शुरू करवाया है। जब उसे काबू में रखना चाहिए था तो नहीं रखा, अब हमें अकल सिखा रहा। के चल रहा है? अरे मां कुछ ना, हम तो बस वैसे ही। तू यो बता, प्रतियोगिता में कौन जीता? बताती हूँ बताती, थोड़ा सबर रख। इच्छा से शुरू करते। इच्छा ने खाना अच्छा बनाया था, हालांकि उसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया, सब्जी बिगड़ गई थी। लेकिन जब मैंने उसे सिखाया और बताया और इसने वैसे ही किया, सब्जी को सुधारा। शांति से अपनी गलती मानना और सुधारना अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। ए मां, तू फिर इच्छा की तरफदारी कर रही है? मारी बात अभी पूरी ना हुई है खड़क, आगे सुन तो ले। पहले राउंड में छोरी ने सब अच्छा किया, लेकिन दूसरे राउंड में दूसरों को हराने के चक्कर में जो इसने ओछी हरकत की ना, वो बहुत गलत किया। ये हमारे घर में नहीं चलेगा। अरे तुम लोग आपस में लड़ो झगड़ो प्यार से रहो, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र, इसकी इजाजत ना है। मने लगता है कि इच्छा ने इससे सबक तो जरूर लिया होगा। जी दादी, मैंने सबक ले लिया है और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तूने गलतियां की हैं और तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तू इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। बाहर हो गई, बाहर हो गई। अब खाना बनाने के राउंड में आते हैं। तो ममता को मिलते 100 में से 80 और चंचल को मिलते 100 में से 90। घर की सफाई में ममता को मिलते 100 में से 90 और चंचल को मिलते 100 में से 80। तो भाई स्कोर बराबरी पे आ गया है। अब दादी आगे बढ़ते हैं। कपड़े की धुलाई में ममता को मिलते 100 में से 100 और चंचल को 100 में से 90। हाँ मेरी ममता अभी भी 10 नंबर आ गया है। अरे तू ही जीतेगी ममता, चिंता मत कर। प्रबल इतनी जल्दबाजी ना कर, पूरी बात तो सुन ले। बड़ी बहू होने के नाते चंचल ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसके पीठ पे शाबाशी तो बनती। जहां इच्छा गलत थी, चंचल ने उसे टोका। और जब मैं इच्छा के प्यार में थोड़ा बह चली थी तो चंचल ने मुझसे कहा, आप इस घर की बड़ी हैं, आप किसी एक की तरफदारी नहीं कर सकती। जहां इच्छा गलत है तो गलत। चंचल ने यह सब इस परिवार के प्यार के लिए किया और इसकी इसी खासियत के लिए इसे 10 नंबर और मिलते। अरे दादी, लेकिन स्कोर तो फिर से बराबर हो गए, तो फिर जीता कौन, विनर कौन है? इस प्रतियोगिता के विजेता ये दोनों हैं। अब दादी आप विजेताओं को इनाम नहीं देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, जा जा के ले आ। ये चंचल थारी। अरे दादी जीती रे, जीती रे।
बबल जी, I love you, इच्छा. आहा, क्या बात है? आज बड़ा प्यार आ रहा है बीवी पर. अब बीवी इतनी प्यारी मिली है तो प्यार तो आएगा ना. तुम्हें पता है इच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ जो तुमने मुझे अपना जीवन साथी चुना है, वरना तुम्हारे पीछे तो कितने लड़के मरते होंगे. ऐसा कुछ नहीं था. कुछ नहीं था? हो ही नहीं सकता. अच्छा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी प्यारी हो, दीवाने तो तुम्हारे बहुत सारे रहे होंगे, और हो सकता है किसके लिए तुम्हारा मन भी हल्का हल्का, यू नो. कुछ भी. बब्बल जी, आपके दिमाग में ऐसी बातें कहां से आती हैं? आपसे पहले और आपके बाद ना मैं किसी को पसंद करती थी, ना करती हूँ, और ना ही कभी करूंगी. मेरा पहला प्यार भी आप ही हैं, और आखिरी प्यार. अच्छा, और ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तुम्हारी याददाश्त तो चली जा चुकी है, जानती हूँ, लेकिन जज्बात समझने के लिए याददाश्त की जरूरत नहीं है. बब्बल जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आज जो मैं आपके लिए महसूस कर रही हूँ, ऐसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया. का? आपको कोई शक है? कोई शक नहीं. अच्छा, आप मेरी छोड़िए, अपनी बताइए. आप पर भी तो कई लड़कियां मरती होंगी. मरती होंगी? इच्छा मरती है. शादी हो जाने से प्यार करने वालों की तादाद थोड़ी ना कम हो जाती है. और तुम्हें तो पता है मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि फिर भी कितनी लड़कियां होंगी आपके पीछे? ओहो, एक मिनट. अब 100-150 तो कहीं नहीं गई. अच्छा, अब तो उनमें से आपको कौन सी पसंद थी? मतलब कोई खास किसी से प्यार व्यार? अरे इच्छा, प्यार का क्या है, प्यार तितली की तरह होता है. आज इस फूल पर, कल किसी और फूल पर, कल किसी और से था, आज तुमसे हुआ है, परसों किसी और से होगा. आज कहा है, फिर कभी कहा, फिर दस लूंगी. क्या बात है, आज बहुत दिनों बाद ही तुमसे सुना है मैंने, दस लूंगी. एक बात बताओ, तुम्हें बीच बीच में नागिन मोड में क्यों चली जाती हो? शब्द नहीं, मतलब गिनिए. अगर मेरे अलावा किसी और को देखा तो जान ले लूंगी. नहीं ले पाऊंगी, मुझसे प्यार जो करती हो. आपको छोड़कर तो जा ही सकती हूँ ना. ओहो, ये जलन. अच्छा, जब तुम जलती हो ना यार, और भी खूबसूरत लगती हो. सोचा था तूने इच्छा, सुरसुरी हार गई, नागिस्तान जाकर अपनी बिल में छुप गई, मैं वापस आई. अब तक तो मैंने अपनी नफरत को हथियार बनाया था, पर अब तेरे प्यार को हथियार बनाऊंगी. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.